बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम परसेंट प्लेट व्लॉग में, खुश आमदीद। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अभी सो के उठी हूँ, सैरी करके सो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना सारा दिन की रूटीन आपसे शेयर की जाए, जो जो मैं अपने दिन में करती हूँ वो आपको भी दिखाया जाए, अपने बारे में बताया जाए। गाइस, हम लोग आगे हैं किचन में और आज मेरी मामा बना रही हैं आलू मेथी चिकन, अभी आपको दिखाते हैं गाइस। और शेयर इधर दूध वाइल है, फिर आपके साथ सारी रूटीन शेयर की जाएगी और जो जो सारा दिन में किया जाएगा वो सब शेयर करेंगे। वैसे तो मेरी मामा कुकिंग करती है तो आज मैंने सोचा मैं थोड़ी सी कुकिंग कर लूँ। मेरे भाई को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है, मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव, साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। प्याज मेरा फ्राई हो गया, अभी मैंने चिकन डाला है और फिर इसमें डालते हैं मिस मसाले। हम इसमें डालने लगे हैं टमाटर और फिर ये थोड़ा सा फ्राई करके इनमें मसाले डालते हैं। पता नहीं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, हमको ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता और मुझे तो इतना स्पाइसी पसंद ही नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, एक चम्मच नहीं दो दो गिलास चावलों में पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं। अब इसमें पानी में उबालने तक, फिर बॉयल आया तो फिर चावल डाल के दम लगाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। इनको लगाते हैं दम 15 मिनट के लिए, दम लगा कर फिर आपको दिखाते हैं। तारी का टाइम स्टार्ट हो गया है, मेरी मम्मा आलू काट रही हैं क्योंकि हमारे घर में आलू वाले पकौड़े ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम डेली यही बनाते हैं, फिर आपको बनाते हुए भी दिखाते हैं। आलू पकौड़ों के लिए मटेरियल ये है रेड चिली पाउडर, साथ में धनिया पाउडर और ये है दड़ा मिर्च रेड स्पेक और साथ में थोड़ी सी हल्दी, और अब अपना अपना टेस्ट होता है। मैं तो साथ में थोड़ा थोड़ा चिकन पाउडर भी डाल देती हूँ। अब इसमें डालते हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाते हैं आलू वाले पकौड़े साथ साथ। अक्सर इस साइड पे गैस भी चली जाती है और मुझे खुद ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में भी यही सब पसंद करते हैं। किसी दिन दूसरा भी बनाऊंगी, फिर उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। को निकालते हैं जल्दी से, ये मैंने रमज़ान से पहले टिक्कियां घर पे बना ली थी लेकिन मैंने इसका व्लॉग ऐड नहीं किया, ये है शामी कबाब ना, तो लेकिन इसकी मैं रेसिपी किसी दिन बना कर करूँगी, ये हम रमज़ान में बनाते होते हैं। ये साथ है अंडा और इसमें डालिए काली मिर्च और थोड़ा सा हसबे जायका नमक, इसमें डिप करके इसको कर लेते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये साथ साथ हो रही है फ्राई। अब हम बनाने लगे हैं फ्रूट चाट, गए मेरी मामा फ्रूट की कटिंग कर रही हैं और ये है बनाना, फिर आपको सारी बनाते दिखाते हैं।
चाट तो पकौड़े और चाट तो रोज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पकौड़ों का बगैर तो सारी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। ये हैं एप्पल, चाट में गए बादाम, कुछ मम्मा ने काट के डाल लिए हैं, मलाई डाली है और थोड़ी सी चीनी ऐड की है और साथ में मलाई ये वाली ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको डाल देंगे मामा। बस बस करो मामा। और इस भटूरे और साथ में मलाई, अब इसको मिक्स करके दिखाते। और ये मैंने इसमें डाला है दही, और दही में मिक्स किया है बीच में चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, और इसको करते हैं मिक्स। ये मुझे दो, ये दो दे दो भैया। है हम लोग बनाने लगे दूध वाला जामेश्वरी, लेकिन बना मेरी भाभी रही है। ऐसे अभी इतना दिल तो नहीं करता जूस वगैरह को, लेकिन रोजे में एनर्जी की जरूरत है फुल ताकत की, तो हम लोग फिर बनाते हैं ये। आप बिछाते हैं शीट और साथ में लगाते हैं बर्तन सही करके, और साथ साथ आपको दिखाते हैं सारी चीजें लगा के, फिर आपसे मिलते हैं आप तारी पर कुछ देर बाद करके, तब तक के लिए। ये है हमारे जूस, ये है मैंगो स्कैश, ये है जामेश्वरी फ्रूट चाट और चना चाट, और ये पकोड़े, ये शामी कबाब और ये पुलाव। ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की इफ्तारी, और सब बताइएगा कैसी लगी। फिर रोज़ा खुलता है तो पुलाव चेक करके बताते हैं कैसा है। ये मेरे भाई हैं और बताएं चावल कैसे बने, कैसी गुजरी आज? और मम्मा आपकी? हमारी टेस्टी। सारी चीजें कैसी बने थी? माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ये है सारे इफ्तारी के बर्तन, और सबसे मुश्किल काम लड़कियों के लिए, जैसे लड़कियों को सबसे बुरा लगता है, और मुझे भी ये काम सबसे बुरा लगता है। चले आपसे आप अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।